गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। इट टेक्स 1 आवर ऑफ प्रेपरेशन फॉर ईच मिनट ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, कम से कम 1 घंटा लगता है जब हम कोई भी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। और जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप सब देख सकते हो कैसे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक बड़ा स्क्रीन लगा होता है सो दैट सभी को विजिबल हो। सो लेट्स स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन होता क्या है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंटेशन मटीरियल, कैसे मटीरियल इकट्ठा करेंगे, फिर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे सारी विजुअल एड्स यूज़ करेंगे। विजुअल एड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह, वो सब, स्पीकर जिससे हम सुन सकते हैं, मतलब रूम को कैसे सेट करेंगे, बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए, और हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है। चलो, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। A presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. A presentation का मतलब क्या होता है, एक ऐसी communication जहाँ हम group के साथ बात कर रहे हैं, meeting में बात कर रहे हैं या team में किसी को कुछ बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन। अब कैसे हमने प्रेजेंटेशन है जो प्रिपेयर करनी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, हम अपने हैंड्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, टॉकिंग टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोलना, मेंटली एकदम फिट रहना है, पैनिक नहीं करना, एम्बेरस नहीं फील करना, तो ये सब पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। प्रेपरेशन, प्रेपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग अ सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। आपको प्रिपेयर होना पहले से बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, पहला है द ऑब्जेक्टिव, हम क्यों प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस कौन लोग हमें सुनेंगे, द प्लेस जिस जगह पे हम बैठ के या खड़े होके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो जगह कैसी है, टाइम ऑफ द डे, दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, लेंथ ऑफ टॉक, कितनी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंटेशन मटीरियल। ठीक है, जब हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए, पहले तो पब्लिक स्पीकिंग हमें आनी चाहिए, देन इज आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मींस कौन से वर्ड पे कितना स्ट्रेस देना है, लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और जो हमारा एक्सेंट है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ओकेजन इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑलवेज एम टू गिव अ क्लियर वेल स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी। मतलब ऑफिशियल भी हो सकती है, नॉन ऑफिशियल भी हो सकती है प्रेजेंटेशन, बट क्लियर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द प्रेजेंटेशन मटीरियल में इंक्लूड ब्लू स्काई थिंकिंग, मीन्स आपके आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, सिलेक्टिंग द मेन पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं जो आप प्रेजेंटेशन में दोगे, डिसाइडिंग वेदर टू इलस्ट्रेट, मतलब ये हम डिसाइड करेंगे कि हम सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे या मतलब उसको डिटेल में देना है या शॉर्ट ब्रीफ में देना है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिसाइडिंग द प्रेजेंटेशन मेथड। अब क्या होता है, कई लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं, कई ऐसे ही दे देते हैं, जैसे फ्यू पीपल आर एबल टू गिव अ प्रेजेंटेशन विदाउट नोट्स, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस स्पीकर्स विल यूजली हैव टू हैंड एटलीस्ट सम फॉर्म ऑफ नोट्स टू जॉग देयर मेमोरी एंड एड देयर प्रेजेंटेशन। क्या होता है, समटाइम्स जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें भूल जाता है, तो हमें छोटे से पेज पे या कुछ भी नोट्स लिख लेने चाहिए, दैट इफ़ इन केस हमें भूल जाए तो हम देख लें एक बारी वो पॉइंट, फिर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको फ्लो में दें।
Next is you will need to know your own abilities and decide how best to make the presentation. हमें अपनी abilities पता होनी चाहिए कि कैसे हमें best presentation देनी है. Next is working with visual aids. जैसे ज़्यादा गाने नहीं बीच में डालने presentation के, sounds नहीं डालने, हमेशा simple रखनी है अपनी जो presentation देनी है हमें. एंड जब हम प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे, हमें बुलेट्स यूज़ करने हैं, फॉन्ट साइज, स्टाइल, वो यूज़ करना है जो देखने में अच्छा लगे. और मतलब अगर दूर से भी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो वो विजिबल हो. कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी मीन्स जो टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो आपको वैसे ही एक फॉर्म में लिखना है. स्लाइड इफेक्ट्स, जैसे हम स्लाइड को इफेक्ट्स देते हैं, वो चीज़ें. नो एनिमेशन टू टेक्स्ट. ट्राई करो कि जो टेक्स्ट है एक एक लाइन को एनिमेशन मत दो, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा. नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज. आप खड़े होके कैसे बात कर रहे हो, कैसे अपनी ऑडियंस को इंगेज कर रहे हो. आपको वो करवाए थे ना, काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, वो सभी चीज़ें इसमें आएंगी. नेक्स्ट इज ड्रेसिंग सेंस, प्रॉपर अटायर, शूज, द वे यू स्टैंड, ये सब भी बॉडी लैंग्वेज में आएगा कि आप कैसे तैयार हो के आए हो, कैसे शूज डाले हैं, कैसे खड़े हो, एवरीथिंग. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं ना, पब्लिक स्पीकिंग, आर्टिकुलेशन, ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है. और ये वाले पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखने हैं कि हम कैसे ऑडियंस को इंगेज करें अपने स्किल्स के साथ. कहीं हम नर्वस तो नहीं हो रहे? हम कैसे अटेंशन लें जो क्लास है या हमारी ऑडियंस है उसकी. प्रॉपर यूजेज ऑफ सेंटेंसेस, इफेक्टिव स्पीकिंग, बींग क्लियर अबाउट आइडियाज़, ठीक है. सारे सेंटेंसेस अच्छे से होने चाहिए. जो आपकी स्पीकिंग है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ठीक है. वॉल्यूम टू बी हर्ड. नेक्स्ट इज जो वॉल्यूम है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान दूर भी बैठा है तो उसको आपकी आवाज़ जो है वो सुने. क्लैरिटी, एक एक वर्ड जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए आपकी ऑडियंस को. वैरायटी, आपको थोड़ी बहुत वैरायटी ऐड करनी है. जैसे मैं ये प्रेजेंटेशंस बनाती हूँ तो उसमें फ़ोटोज़ होती हैं या कुछ ऐसे होता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, आपका इंटरेस्ट बनता है. अब डीलिंग विद क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस भी पूछेंगे अपनी ऑडियंस से. वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बनेगा जब आप क्वेश्चंस पूछोगे उनसे. नो योर ऑडियंस, फर्स्ट इम्प्रेशन. ऑडियंस इवेल्यूएट्स यू इन फर्स्ट 5 मिनट्स, नो सेकेंड चांसेस. तो आपको अपनी ऑडियंस को जानना है कि कैसे लोग हैं, तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी है. एवरीथिंग प्रॉपर A to Z देखना है जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है. आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है. ट्रीट योर ऑडियंस विद द रिस्पेक्ट यू वुड लाइक टू हैव शोन टू यू. मतलब आपको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है अपनी ऑडियंस को. वो उनका कैसा इंटरेस्ट है वो रिसर्च करना है. अगर बच्चे हैं तो उनका कैसा इंटरेस्ट होगा, एज्ड हैं तो उनका कैसा इंटरेस्ट होगा. इफ़ यू डोंट नो एन आंसर देन से नो एंड ऑफर टू फाइंड आउट एंड इंश्योर दैट यू डू सो. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको नहीं आंसर होता आता है, डायरेक्टली से नो और बाकी ऑडियंस से पूछ लो कि अगर आपको किसी को आता है तो यू कैन ऑल्सो आंसर. Listen carefully to any question and if the audience is large, repeat it to ensure everyone in the audience has heard. Answer briefly and to the point. अब जब अगर किसी ने पूछ लिया आपसे question, तो आपको ये होना है कि जब किसी ने पूछा है तो आपको फिर से repeat करना है कि सारी audience को सुने क्या question पूछा गया है. फिर उसको briefly answer देना है, ये नहीं है बहुत लंबा answer देना है. बिकॉज आपको इंटरेस्टिंग रखनी है अपनी प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट इज ग्रैटिट्यूड इज ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्च्यूज बट द पेरेंट ऑफ ऑल अदर. आपको थैंकफुल होना है अपनी ऑडियंस का कि थैंक यू उन्होंने आपकी प्रेजेंटेशन सुनी, ठीक है. नेक्स्ट इज थैंक यू सो मच.
एंड आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो. अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो.